फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करने से पहले आपको आउटलाइन आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटलाइन क्या है, कैसे करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होता है और कई सारे टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। आउटलाइन मतलब कुछ भी आप बना रहे हो, कुछ भी, तो उसको बनाने से, उसको शेडिंग करने से पहले आपको उसका शेप बनाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ का शेप बनाने को आउटलाइन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आई है, अब मैं आई की इधर शेप बना रहा हूँ, तो मतलब कि ये आई की मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ, फ्री हैंड मैथड से कर रहा हूँ। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से मेथड होते हैं आउटलाइन करने के लिए, और सारी वीडियोज़ आपस में कनेक्टेड हैं, तो कोई सी भी वीडियो मिस मत करना। तो देखिए वीडियो। ब्लैक कलर मतलब ब्लैक पेंसिल ब्लैक करना है वहाँ पे। तो देखो अब ये आउटलाइन कुछ ऐसी लग रही है। तो मैंने आपको बता दिया आउटलाइन क्या है, किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को ड्रॉ करना पेपर पे, इस प्रोसेस को आउटलाइन कहते हैं। अब मैंने आपको करके दिखा दी कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, हाँ, तो मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे करना है। उस फोटो को देखो कहाँ पर कैसे शेप जा रही है, उस अकॉर्डिंगली बनाओ, और कहाँ पर कैसा, कहाँ पे मोटा है, कहाँ पे पतला है, कहाँ पे कितना लंबा है, वो आपको देख करना पड़ेगा। वो अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आएगा पर डेली प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो ये वाली आई थी और यहाँ पे मैंने इसको, कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ मेथड्स होते हैं जो हमारे आउटलाइन करते टाइम काफ़ी हेल्पफुल रखते हैं, तो जिनको मैं आने वाली वीडियोज़ में बता दूँ। वैसे मैंने इनका नाम लिख दिया, तो कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक कर देना। Bye.